आचार्य जी, आपका पॉलीगैमी के बारे में क्या कहना है? जैसे परिवार है, उसमें पत्नी है, पति है, तो अगर पति की दो तीन प्रेमिकाएं हो तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता, तो ये भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये भी। बेटा अगर मोनोगैमी है तो पॉलीगैमी होगी, अगर मोनोगैमी है तो प्रोस्टिट्यूशन भी होगा। ऐसा नहीं है कि दो चार स्त्रियों के पास जाके या दो चार पुरुषों के पास जाके कोई शांति मिल जाने वाली है। बेचैनी तुम्हारी, तुम एक औरत के साथ रहो, पांच औरत के साथ रहो, बराबर की रहेगी। लेकिन तुम यदि एक औरत के साथ बंधे ही इसलिए थे क्योंकि तुम बेचैन थे, तो तुम्हारी वो बेचैनी एक औरत से तो मिटेगी नहीं, तो तुम पांच के पास भागोगे ही। समझो बात को। अधिकांश लोग शादी करते ही क्यों हैं? अधूरापन लगता है, और जैसे कमलेश बोल रहा था, सबने कर लिए, मैं ही रह गया हूं, और घर वाले सता रहे हैं, और किराए पे फ्लैट भी नहीं मिलता। यही सब बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं भाई, इनके मारे लोग शादी कर लेते हैं। और मेरे पीछे तीन और है घर में, पहले मेरी होगी तब ना उनकी होगी। वो जो पीछे वाले हैं वो चिकोटी काटते हैं, कहते भैया तुम रास्ता रोके खड़े हो। ऐसी ऐसी बातें, इन बातों पे शादियां हो जाती। तो इन बातों पे तुमने शादी कर ली, अब उस शादी में तुम्हें प्रेम तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जो मूल कारण ही था विवाह का, वो कारण ही भ्रष्ट था। जो तुम उस स्त्री में खोजने गए थे वहां तुम पाओगे ही नहीं। जब वहां नहीं पाओगे तो जाहिर सी बात है कि चार जगह और भागोगे। हो सकता है चार औरतों के पास ना जाओ तो पॉर्न देखोगे, वो भी तो यही है कि उसको अगर हाड़ मास से नहीं छू सकते तो कंप्यूटर की, मोबाइल की स्क्रीन पर उसको छू लें। ये सब तुम क्यों करोगे? क्योंकि तुम बेचैन हो, व्यथित हो। और मजे की बात यह है कि पांच के पास जाकर के भी तुम रहोगे खाली के खाली, मिल कुछ नहीं जाएगा। लेकिन यह पक्का है कि जाओगे जरूर, यह रुक नहीं सकता। जब तक इंसान को आत्मिक अतृप्ति है वो भटकेगा ही इधर उधर भूत की तरह। भटकेगा और पाएगा कुछ नहीं। हाँ, लफड़े जरूर हो जाएंगे। अब उनको सुलझाओ। क्या फर्क पड़ता है कि तुम एक के साथ हो या पांच के साथ हो? तुम एक के साथ थे तो भी अतृप्त थे, पांच के साथ थे तो भी अतृप्त थे। तुम 5,000 कर लो, तुम तब भी खाली ही रहोगे। हम किसी के पास बांटने के लिए थोड़े ही जाते हैं, हम तो लेने के लिए जाते हैं, नोचने, खसोटने, चूसने, निचोड़ने के लिए जाते हैं। और दूसरे से तुम्हें जो मिलना है वो कभी काफी पड़ना नहीं है। तो एक का शोषण कर लोगे, फिर दूसरी के पास जाओगे, या दूसरे के पास जाओगे, फिर तीसरे के पास जाओगे, पाओगे थोड़े ही, पूरा नहीं पड़ेगा। ये वैसी सी बात है जैसे आदमी नौकरियां बदलता है, ये वैसी सी बात है जैसे एक गाड़ी पूरी नहीं पड़ती तो आदमी चार गाड़ी करता है। चार गाड़ी में तृप्ति हो जाती है क्या? एक तो समय ही ऐसा था जब तुम कितने बड़े आदमी हो, कितनी तुम्हारी प्रसिद्धि, ख्याति और उपलब्धि है, इसका पैमाना ही ये होता था कि तुम्हारे पास औरतें कितनी हैं। गिना जाता था तुम्हारे पास गायें कितनी हैं और तुम्हारे पास औरतें कितनी हैं, दो चीज़ें गिनी जाती थी, पशुधन, स्त्रीधन। तो जैसे आदमी
गायें इकट्ठा करता है, बंगला इकट्ठा करता है, सोना चांदी इकट्ठा करता है, वैसे ही औरतें भी इकट्ठा करता है, वहाँ कुछ मिल थोड़े ही जाता है। और औरतें भी अब यही करती हैं, वैसे ही वो आदमी इकट्ठा करती हैं, एक आदमी, दो आदमी, पांच आदमी, जो ढूंढ रही है वहाँ पाओगी थोड़े ही। ऐसा नहीं कि वो एक आदमी में मिल जाएगा, ये नहीं कहा जा रहा कि पांच को छोड़ो एक के हो जाओ, ना वो पांच में मिलना है ना वो एक में मिलना है, वो वहीं मिलना है जहां वो मिलना है, वहां जाओ तो मिलेगा। पति में परमेश्वर खोजोगी तो मिलेगा ही नहीं। और ऐसा भी होता है कि परमेश्वर मिल जाए तुम्हें तो तुम कहोगे परमेश्वर चाहिए ही नहीं, मुझे तो पति चाहिए, ये और बड़ा अभाग है। कि परमेश्वर को हटाओ, पति लाओ। ये तो थोड़ा विरोधाभास है, पति अपनी पत्नी के अंदर ईश्वर को देखे और पत्नी अपने पति के अंदर ईश्वर को देखे, तो कल्याण का कारण भी बन सकता है। नहीं देखते ना, पति के अंदर ईश्वर दिखने लग गया तो द्वंद हो जाता है, कहते तुम दो कैसे हो गए, तुम पति भर रहो, ईश्वर हो गए तो असुविधा हो जाती है, ईश्वर को बाहर छोड़ के आया करो अंदर। वो बड़ी आदर्श स्त्रियां रही होंगी जिन्होंने चाहा था कि पति परमेश्वर जैसा हो, हम वैसे होते नहीं हैं। आचार्य जी, कोई मान लो तृप्त है, कंप्लीट है, तब भी तो वो अपना प्रेम कई औरतों के साथ एक्सप्रेस कर सकता है, तो वो सही है? तुम ही हो। जहाँ चारों तरफ आग लगी हुई है और तुम फायर इंजन हो, ये दमकल विभाग से हैं, ये अपना पानी का पाइप लेके सारी औरतों की आग बुझाने जा रहे हैं, समाज सेवक के। क्यों जनरल पूछ रहे हो, अपनी बात करो ना। सुबह से समझा रहा हूं, अपनी बात किया करो। अरे मान लो मैं तृप्त हो गया तो दुनिया भर की औरतों की मैं बुझा सकता हूँ आग। तृप्त हो तो तुम जो भी करोगे वो शुभ होगा। तृप्त आदमी को लेकर के कोई नियम नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उस पर कोई नियम लागू नहीं होता। हो सकता है वो शादी करे, हो सकता है ना करे, हो सकता है वो एक तरह की करे, हो सकता है दूसरी तरह की करे, कुछ कहा नहीं जा सकता उसके बारे में, वो हवा है, कहीं को भी जा सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मान लो कोई तृप्त हो गया तो वो कैसा होगा। जो अतृप्त है उसके बारे में बहुत बातें बताई जा सकती हैं, क्योंकि वहां ढर्रे हैं, ढांचे हैं, पैटर्न है, तो वहां बताया जा सकता है कि ऐसा ऐसा होगा। जो तृप्त है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो अपना मालिक होता है, वो कहां बैठा होगा, कहां को उड़ गया, कब क्या करेगा, या तो वो जानता है या परमात्मा। इसीलिए तो उससे दुनिया घबराती है, वो काबू में नहीं आता ना। जिसका तुम पता कर लो कि अगला कदम क्या होगा, उसका तुम अगला कदम पकड़ सकते हो। मुक्त आदमी का अगला कदम तुम पता ही नहीं कर सकते, तो उसे पकड़ोगे कैसे, तो उससे बड़ी घबराहट छूटती है, चिढ़ लगती है, ये जाल में फंसता ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं चलता ये है कहां पर, कभी इधर होता है कभी उधर होता है, दाना डालें कहां। इस तरह के प्रश्नों से बचा करो कि बुद्ध कैसा सोचते होंगे, तृप्त आदमी का जीवन कैसा होता होगा। तुम बैठे बैठे यहां पर उसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते। बड़ी छटपटाहट होती है ना कि किसी तरह पता चल जाए, जैसे विज्ञान में होता है कि यहां बैठे बैठे पता कर लेते हैं कि चांद पर कितना गुरुत्वाकर्षण है,
वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ होकर ही जाना जाता है। वो हो जाओ तो जान जाओगे, वो हुए बिना कुछ जान नहीं सकते।